हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज देखो हम अपनी सुंदर ड्रेस के लिए एक सिंपल सा मुकुट बनाना बताएंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने देखो गत्ता लिया है। ये गत्ता आप किसी भी डब्बे से कट कर सकते हो, जैसे साड़ी का डब्बा होता है। इसके लिए मैंने दो पीले कलर के कपड़े कट किए हैं। एक बराबर रखना है हमें, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। इसकी लंबाई देखो, चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है। मेरे पास थोड़ा 2 इंच से कम है। यहाँ पे हमें इसकी लंबाई 4.5 लेनी है। मैं अपने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो हमें देखो हॉट ग्लू गन से मैं इसको इसके ऊपर कपड़ा पेस्ट करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकोल बोर्ड से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। बस उससे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हॉट ग्लू गन से हमारा साथ के साथ सूख जाता है। अब जो हमारा बराबर वाला कपड़ा है उसे पहले पेस्ट करना है, फिर उसके बाद हमें 2 नंबर पर पहले अपने माथे की शेप कट कर लेनी है। जो हमारे मुकुट में माथे वाली शेप आती है उसे हमें 1/2 इंच से ऐसी गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो इसे यहाँ पर हम इसे गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो इसको कट कर लिया है। जो बाकी के एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें भी हम कट कर देंगे। अब हमें दूसरी साइड भी अपना कपड़ा पेस्ट करना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमें नीचे की साइड रखना है, जिस साइड हमारी माथे वाली कटिंग हुई है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब बीच में से हमें बिल्कुल कट करके जो बाग जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देना है। दोनों साइड से हमें, इससे क्या होगा हमारे धागे बाहर नहीं निकलेंगे, यानी माथे पर निकलते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तब इसे एक बार हमें क्या करना है, जैसे हमारा 2 इंच का है तो हमें ऐसे ही 1 इंच से थोड़ा सा कम बड़ा मतलब ऊपर की साइड रखना है। तो इसे हमें ऐसे ही पहले हाफ करके निशान लगा लेंगे, फिर इसमें इस तरह के कट लगा देने हैं। हाफ इंच से मतलब 2 इंच का है तो हमें 1 इंच पर इस तरह के कट करनी है। 1 इंच से हल्का सा हमें कमी करना है। तब यहाँ पर हमें इसको जॉइंट कर देना है। अब देखो हम उंगली डाल के देख लेंगे अपने मुकुट की साइज में है। हमारे देखो 2 उंगलियां इसमें बहुत ढीली सी आती हैं, मतलब 4 नंबर एक कान्हा जी की। अगर आपको 3 नंबर की बनानी है तो 2 उंगलियां हमारी टाइट सी आएंगी। इसी के अकॉर्डिंग अपने कान्हा जी के मुकुट के अंदर उंगलियों को डाल के देख सकते हो। अब आपस में हम इन्हें देखो एक दूसरे के ऊपर इस तरह चिपका देंगे। साथ के साथ चिपक जाता है, काफ़ी गर्म भी होता है। थोड़ा हाथों को बचा के करना है। तो यहाँ पे ऊपर देखो जिससे हमारी जॉइंट ना दिखाई दे, तो एक मैं एक गोल कपड़ा कट करके लगा दूंगी इसके ऊपर ही। तो देखो इस तरह मैंने इसके ऊपर लगा दूंगी जिससे हमारी कटे हुए पीस भी नज़र नहीं आएंगे। और नीचे की साइड हमें इसको घुमाते हुए पेस्ट कर देंगे। तो देखो ऐसे हमारा यहाँ तक का देखो बेस बन के तैयार हो गया है। अब इस बेस के ऊपर हमें नेट के कपड़े से एक बार नेट का कपड़ा भी लगाना होगा इसके ऊपर। तो मैंने 3 इंच की एक पट्टी कट करी है। लंबाई मुझे अपने मुकुट के अकॉर्डिंग रखनी है, जो हमारे माथे से लेकर घूमकर हमारा वहीं पर ख़त्म हो जाए जहाँ से हमने शुरू किया है। तो मैं यहाँ पर देखो सिंगल लगाते हुए ऊपर से फिर मैं प्लेट ही डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पर वीडियो में अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम इस तरह घुमाते हुए देखो फिर ऊपर वाले को भी हमें एक प्लेट डालते हुए ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हम इसको चिपका देंगे। तो देखो दूसरे को भी मैं कर तो रही हूँ पर वीडियो के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया कि कैमरा कहाँ गया है। तो यहाँ पर देखो बन गया है। तो देखो अब मैं ये मुकुट मैंने देखो अपनी जन्माष्टमी पे कान्हा जी की ड्रेस के लिए बनाया था, मैं इसकी वीडियो नहीं डाल पाई। तो मैंने वो ड्रेस के अकॉर्डिंग सजावट की थी, तो अब मैं इस ड्रेस के लिए बना रही हूँ। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग इसकी सजावट करनी है। तो इस पर हम बिल्कुल सिंपल सी सजावट करेंगे। तो देखो अब हमें हल्की सी में जरकन नज़र आई है। तो इस पर हमें जरकन तो हमें अपनी हर मुकुट पे लगानी है।
तो इसे हमें देखो यहाँ से शुरू करनी है, आगे की साइड से जो माथे का कट है उससे शुरू करते हुए और घुमाते हुए पीछे की साइड से घुमाते ले आएंगे। इसे देखो ऐसे हमें इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखो उसमें सिल्वर कलर वाली जरकन लगा रही हूँ और ऊपर की साइड देखो मैं ऐसे डिजाइन बनाते हुए बिल्कुल ऐसे इस तरह ऊपर पेस्ट कर देनी है, तो मुकुट की शेप बन जाएगी अपने आप ही। बाकी की कट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे ड्रेस के ऊपर मोती और एक फूल है। तो देखो यहाँ तक का बन के तैयार हो गया है। अब हमें इस तरह का स्टोन और इस तरह के फूल लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं देख ये मैंने पहले एक बेस लिया है, थोड़ी सी हमारी जो स्टोन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने ड्रेस के ऊपर लगाया है सेम ऐसे ही मुकुट के ऊपर लगाऊंगी। अब ये फूल बनाना है, तो इस फूल को बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। जब आप पर फूल बनाना आ जाएगा तो आप कोई भी सिंपल सी ड्रेस बनाओगे उसके ऊपर फूल बना के उसे सुंदर बना लोगे। तो ये फूल देखो ध्यान से देखना है कैसे बनना है। तो 2.5 इंच का मैं इसमें से 2.5 इंच की हमें लंबाई और 2.5 इंच की हमें चौड़ाई रखनी है। तो नेट का ऐसे हमें पीस कट करनी है। अब मैं इसमें से 3 पीस कट करूँगी क्योंकि बस मुकुट में मैं 3 ही लगाने वाली हूँ। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब देखो एक डोरा लेंगे, देखो जो ड्रेस के अंदर मुकुट फूल में डाला है मैंने ऐसे करते हुए हमें इसको यहाँ तक एक कट कर लेना है इसको। अब इसे कैसे लगाना है, सुई धागा लेंगे और इस कोने पे रख के दोनों साइड से कोनों को ऐसे मोड़ते हुए डोरे के अंदर से हमें सुई को निकालना है जिससे हमारा डोरा बाहर ना निकले। अब हमें अपनी लाइन ऐसे करते हुए सुई के अंदर धागे कैसे डालते हुए आगे जाना है। अब दूसरी साइड से हमें जाते हुए लास्ट हमें डोरे पर ही ख़त्म करना है। सुई के हम डोरे के अंदर से निकालेंगे। अब देखो मुकुट के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा टाइट रखना है, अगर हमें ड्रेस के लिए बनाना है तो देखो जो मैंने ड्रेस पे लगाए हैं थोड़े खुले करके लगाए हुए हैं। आगे से अगर मुकुट पे बना रहे हैं तो मैं पूरा धागे को खींच लेना है। तो देखो ये मैंने मुकुट के लिए बनाया है तो मैंने बिल्कुल धागे को बिल्कुल मिला दिया है। तो ऐसे ही मुझे अपने 3 बना लेनी है। ये थोड़ा सा मैंने ढीला किया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा किया है। अब बाकी के 2 छोटे छोटे बनाए हैं, दोनों का साइज सेम ही है हमारे नेट का, बस थोड़ा मैंने इसको टाइट सा बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमें 3 को इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखो ये मैं मुकुट के लिए बना रही हूँ तो मैंने 3 को ऊपर की साइड किया है। अगर आप देखो ड्रेस के लिए बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है जिससे फूल की 3 पंखुड़ियाँ अपने आमने सामने दिखाई दी। अब मुकुट के लिए बना रही हूँ तो 3 फूलों की पत्तियों को मैंने थोड़ा ऊपर साइड किया है जिससे मुकुट पर अच्छी तरह लग जाए। तो इसे हमें सुई से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस पर स्टोन लगा लूँगी, जैसा स्टोन हमारे फूल के ऊपर लगा है सेम वो स्टोन लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। तो देखो स्टोन को हमें ऐसे लेते हुए फूल के नीचे से हमें धागे को नीचे से सुई निकालनी है क्योंकि ये स्टोन अगर हमारा धागा ऊपर की साइड होता है तो स्टोन से धागा निकल जाता है। यहाँ पर आप स्टोन को चिपका भी सकते हो। तो मैं सुई धागा लेती हूँ, मैं सुई धागे की हेल्प से इसको इसके ऊपर जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसे पूरा पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे इसको बंद कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे बंद हो गया है, धागे को कट किया। अब देखो फूल बन के तैयार है। अब इस फूल को देखो हम मुकुट के ऊपर ऐसे लगाएंगे। इससे पहले हमें ऊपर का घेरा भी बनाना है एक, तो चलो वो भी बनाती हूँ मैं। तो देखो इसमें मैंने नेट का कपड़ा लिया है, इस तरह की मैंने पट्टी कट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 3 इंच ली है और इसमें मैंने ऐसे प्लेटें डालनी है और लंबाई मैंने इसकी 8.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। तो अपने कपड़े को हमें एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो डबल कपड़े करते हुए इस तरह इसमें प्लेटें डाल लेंगे, सारी प्लेटें एक साथ डालकर
फिर हमें सुई धागे से निकालना है। तो इस तरह देखें, यहाँ पे अभी सुई धागे को थोड़ा ऊपर की साइड से करेंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे तो नीचे से हमारी नेट अच्छी तरह चिपक जाएगी। तो देखो इस तरह का भी बन के तैयार हो गया है। तो हम इसे पहले पीछे की साइड अपना इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से इस तरह भी देखो इन्हें आपस में इस तरह कर देना है, जिससे हमारी खिली खिली नजर आए। यहाँ पर मैं अपने फूल को लगा दूंगी। तो देखो ड्रेस के ऊपर लगा के दिखाऊंगी मैं आपको, बिल्कुल ड्रेस जैसा ही बन रहा है हमारा। तो देखो ड्रेस से बिल्कुल मैच हो गया है। हमारे मुकुट में ऊपर की साइड भी हमने जरकन लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं अपनी हल्के वाली जरकन लगाऊंगी, देखो इस तरह की, जो हमारी लैस से कट करती हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भारी वाली जरकन लगाते हैं तो हमारी जो नेट का कपड़ा है वो झुक जाता है, इससे हमारी ड्रेस की पगड़ी की शेप खराब हो जाती है। तो इस तरह की लाएंगे आप, इसे कट कर लेंगे। मैं एक कट की है, अगर आपको दो लगानी है तो दो लाइन कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे इस पर आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये हल्की होती है बहुत। तो ये साथ के साथ पेस्ट हो जाती है। अगर आप किसी और चीज़ से इसको चिपकाते हैं तो थोड़ा सूखने के लिए टाइम देना होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने देखो अब मैं इसकी ज़्यादा सजावट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो देखो ये हमारी इसके अकॉर्डिंग बन गया है। ये हमारा मुकुट देखो बिल्कुल मैचिंग का बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इस तरह का मुकुट बनाना है, इसमें आप वाइट मोती लगा लोगे, क्योंकि मेरी ड्रेस में वाइट मोती नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है। आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको मुकुट अच्छा लगा हो तो आप भी ज़रूर बनाना। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।